आदि कुमार, मैं हूँ यूट्यूबर, मैं आपके सामने लेके आया हूँ मेरे ब्रूस आर्टिस्ट। मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास है ब्रूस उस, जिसे मैं ऊँची ऊँचे रंग कर लेता हूँ। मेरे पास सारा है सामग्री है सब, मैं कभी भी इसको यूज कर सकता हूँ। Hi guys, welcome back to our channel Shipra. मैं हूँ शिवानी, ये प्रदीप, हम and we are together Shipra. Shipra. तो हम दोनों आज आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो, जिसे देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि हम एक्साइटेड हो रहे हैं ना, वैसे ही आप लोग भी इस वीडियो को देख के बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि इसमें कॉमेडी भी होगी, इसमें हम बहुत मजे करेंगे और साथ साथ इनका टेस्ट भी काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि ये कितना जानते हैं मेरे बारे में। जैसे आप सबको पता ही है कि मैं मेकअप कितना अच्छा करती हूँ और बहुत ही अच्छे से मुझे आती है, हर तरह के मेकअप वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करती हूँ। पार्टी मेकअप हो, चाहे वो कैजुअल मेकअप हो, चाहे वो नॉर्मल न्यूड मेकअप हो, किसी भी तरीके का मेकअप है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं इनसे अपना मेकअप करवाऊँ और देखूँ इनको कितनी नॉलेज है मेकअप के बारे में, कितनी है देखो, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत बार मेकअप में देखा हुआ है। सो आज हम देखेंगे कि इनको, मेरे हस्बैंड को कितने अच्छे से मेकअप की नॉलेज है और वो कितने फिनिशिंग के साथ मेरा मेकअप कर सकते हैं या फिर मुझे चुड़ैल बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है गाइस। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक स्किप नहीं करनी है। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और इनके एक्साइटमेंट आप देख ही सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। कुछ प्रोडक्ट्स जी जो कि है ये सारे, इनका नाम मैं नहीं लूँगी अदरवाइज इनको क्ल्यू मिल जाएगा, ये खुद ही इनको पहचानना है कि इनको पहले क्या अप्लाई करना है, बाद में क्या अप्लाई करना है। सो ये सब कुछ है मेरे पास, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया है जिससे कि इनको कन्फ्यूजन हो जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता ही है कितनी सारी चीज़ें होती हैं मेकअप में। बट हम थोड़ा बेसिक लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये कितना रिजल्ट अच्छा जाता है। तो सबसे पहले आप क्या यूज़ करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यूज़ करना चाहता हूँ, वीडियो में दिखाना भी होगा कि आप क्या क्या यूज़ करें। सबसे पहले मैं फाउंडेशन यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि फाउंडेशन पे क्या है कि रंग कर कोई बाद में चढ़ाते हैं, पहले हम इसलिए फाउंडेशन का मतलब फाउंडेशन बोलिए। मैं इसमें ये इनका एक क्या ब्लशर बोलते हैं, ब्लश क्या बोलते हैं इसको, लट्टू बोलते हैं इसको, गाइस ये पागल ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा। या क्या नाम है आपका, ये देख लो गाइस लगाया, ये एक लेप लगाया जा रहा है, इधर आगे दिखाओ जरा कैसे लगा रहे हो। ये मैं हल्का सा ले रहा हूँ इस पे और ये जो इनका फाउंडेशन है वो यूज कर रहा हूँ। अब मैं एक तबला आर्टिस्ट हूं तो मैं एक्ट्रेस को नहीं रेडी करता, ठीक है कोई बात। मैं इसलिए लिया मैंने इसको ताकि हल्के से ऐसे ऐसे कर सके, डिप 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 डिप, देखो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको, अब इसमें आप 10 से 15 मिनट आपको लग सकते हैं क्योंकि फेस पे सूटेबल होने के लिए। इसका नाम ले सकते हैं, हाँ आपको क्या लगता है क्या है बताओ, आप व्यूवर्स को बताओ क्या है, उनको बताओ ना। ये स्किन टोन है, क्या है इसमें देखता हूँ कि काजल मस्कारा है, उल्टा क्यों निकल रहा है, दिखाओ पहले वहाँ पे क्या है। तो ये मैं इनके लिए ब्लैक शेड मस्कारा जो कि इनके आईलिड पे करेंगे, पलकों पे आओ आओ कहीं और मत लगाओ। ऊपर वाला हो गया, डाउन डाउन करो बोतल, मैं अपने ऊपर नशा करूंगा। नहीं भैया देख लो, चेक कर लो, दिशराज में बुना क्या कर रहे हो यार, वो ऐसे ऐसे करना आता है। एक
एकदम परफेक्ट लगा रहा हूँ मैं, अच्छा नहीं मैं बिगड़ जाएगा। दो स्माइल कैसी लगी? परफेक्ट। देखिए गाइस अब ये नेक्स्ट जो है उनको उसको क्या बोलते हैं मैं नहीं पता, कैमरे से है, कैमरे से नहीं हटके बताना है मुझे। देखो ये पुरानी फिल्मों में लगाते हैं, क्या तारीफ करूं क्या तुम्हें, आईलाइनर होता है ये, हल्की हल्की बॉन्डी। यार बाबू कितनी हेल्प करनी पड़ रही, तुमको कुछ पता नहीं है। एकदम सही लेके आ रहा हूँ मैं, बाद में पता ही चलेगा। ठंडा ठंडा लग रहा है यार। अब दूसरे में भी कर दो, वहां देखो। देखूंगी क्या उन लोग को, मैं बाद में दिखाऊंगी ना, अभी आप कंप्लीट करो पहले। हाँ पहले मैं कंप्लीट करता हूँ क्योंकि मैं परफेक्ट आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हो तुम परफेक्ट, वो तो दिख जाएगा अभी एंड में। क्योंकि लाइनर तो अच्छे अच्छे नहीं लगा पाते, लगता है अपना ब्यूटी पार्लर खोलना पड़ेगा। पेंट क्यों कर रहा मेरी आंख पे? भैया पेंट की तो करूंगा मैं, और क्या, इतना भी नहीं करना है। जोकर बनाने की जानबूझ के कोशिश मत करो। नहीं भाई जोकर नहीं बना रहा हूं मैं। ये इतना लंबा क्या बनाया है नोक जैसा इस पे? वो जो पुराने फिल्म में निकालते हैं ना। अच्छा आपको वो रेट्रो स्टाइल वाला, रेट्रो स्टाइल वाला लगाया है। रेट्रो। चलो हो गया ना, लाइनर हो गया परफेक्ट। हाँ लाइनर हो गया। ठीक है नेक्स्ट। मुझे पता है सारे लोग हंसर के पागल हो चुके हैं। अब ये चीज यार है क्या, मेरे को नहीं पता। ये सिंदूर है क्योंकि सूखा तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती हूँ, पता चला जितना हुआ है वो भी गया, तो आप इसको ही लगा दो। ये सिंदूर है, इसको शायद वर्मिलन भी बोलते हैं। ये हल्का सा लगाएंगे ना, हल्का ही लगाते हैं इसको। ठीक है मेन चीज आया ना, इन्होंने ये मिस कर दिया था। ये अब लास्ट में, क्योंकि ये लास्ट में यूज करते हैं गाइस, ये लास्ट में यूज करते हैं। हल्का सा ये व्हाइट वाला ले लेता हूँ, इसको यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ लगाएंगे गाल में। रुको तो भैया, जो कर रहा हूँ मैं करने को। अच्छा ठीक है, पूछ रही हूँ। जब मैं कर ही रहा हूँ तुम पूछ क्यों रही हो, आप मत पूछो। मैं जो डार्क एरिया है ना उनको अंडर कवर। ओके सो गाइस यू कैन यूज दिस आई शैडो इन स्पाइट ऑफ कंसीलर। अभी कैसे लगा दिया? अच्छा, अभी मेरा और बाकी है, अभी तो मैंने वो लगाया थोड़ा हल्का सा, मैं दिख रहा हूँ कौन सा वाला है इनको कलर लगाना है। ये लगाएंगे, ये अच्छा लगा, ब्लू वाला, पिंक पे ब्लू अच्छा करेगा। इसको क्या बोलते हैं, आई शैडो। भूख मार के उड़ गया, उड़ गया। अच्छा करो। मुझे इतनी हंसी आ रही है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, जब मैं देखूंगी तो तुमने मुझे तब तक, हाँ तू सोच रहा होगी कि मुझे विक्रम बदल रखा है। हाँ मुझे ऐसा नहीं है ना, चिक्स पे यूज करूंगा। अच्छा एज अ ब्लश यूज कर, एज अ ब्लश
मतलब आपको याद था कि ब्लश भी यूज करना है? हाँ, बोला नहीं है, मैं तो खराब ही जाता है। स्माइल करनी है सिर्फ। हाँ, तो बढ़िया। इससे आप पिंकी पिंकी लग रही हैं। भगवान, ये क्या बना दिया तुमने मुझे? अरे, इतना सही तो लग रहा है। इतना ज्यादा तो मैं कभी भी ना लगाऊं। बंदर बंदर बना दिया है ना। आजा बताओ। देख लो भगवान, आई शेडो कहाँ लगा है? मतलब आई शेडो ऐसे लगा है जैसे बचा ही नहीं था, बस खींच खींच के लगाया गया। So, अब आप देखो मेरा मेकअप बहुत पास से। पहले तो ये कुछ इस तरीके से लिपस्टिक रही है, ये बेस इन्होंने अप्लाई किया था, ये है सॉरी ब्लश, आईलाइनर, आई शेडो, दिस इज द फुल मेकअप जो इन्होंने किया। सो मैं यही कहूँगी, ठीक है, अगर मैं 10 आउट ऑफ मार्क्स देना चाहूँ तो मैं 10 आउट ऑफ 7 दूँगी, इसलिए बाकी के मार्क्स कट करूँगी, क्योंकि बेस तो बहुत अच्छे से अप्लाई किया है इन्होंने, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें कवर की हैं, अच्छे से किया है, ठीक है, कहीं पे भी पैची नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, एकदम इवन है सब हर जगह से। मस्कारा बहुत अच्छे से अप्लाई किया है, लिपस्टिक भी ठीक ठाक है, इसके मैंने इसीलिए एक मार्क मैंने कट किया क्योंकि लिपस्टिक उतने अच्छे से नहीं लगी, बट ठीक है यार, प्रैक्टिस जिसको नहीं होती वो नहीं लगा पाएगा। लाइनर बहुत अच्छे से लगा है, बहुत ही अच्छे से, अगर किसी को विंग आईलाइनर पसंद है तो वो तो बिल्कुल लगाएगा, ऐसा ही लगाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे से लगाया आपने इसके लिए, बहुत अच्छा। और आई शेडो उतने अच्छे से परफेक्टली नहीं लग पाया, बहुत लाइट लगाने की कोशिश की थी इन्होंने, बट कहीं पे ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया, वो ठीक है। और ओवरऑल ठीक है मेकअप, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ काफ़ी हद तक, तो अच्छा मेकअप किया है इन्होंने, फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही अच्छा किया है। बाकी गाइज आप लोग बताना, हंसी तो बहुत आई, थोड़ा सा फनी भी लग रहा है, ऐसा नहीं है, फनी तो बहुत लग रहा है, बट ठीक है, एफर्ट किए हमने, ये वीडियो बनाया टाइम निकाल करके, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो मैंने ये सोचा था कि मुझे करना ही है ये वाला वीडियो, सो लोगों को भी एंटरटेन कर पाए होंगे आई होप। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप कॉमेंट में बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर देना गाइस, बहुत मेहनत करी है मैंने। हाँ ऑब्वियसली यार, इनके लिए बहुत बढ़िया। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ अगले एक ऑसम वीडियो के साथ, चलते हैं, बाय बाय।